बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसएस एजुकेशनल चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन द बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 9th एंड वी आर फॉलोइंग केपीके टेक्स्ट बुक 4। जी हाँ, आज हम अपनी केमिस्ट्री की बुक शुरू करने लगे हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। पूरी बुक को इंशाल्लाह पेज बाय पेज हम पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। जस्ट टू हैव एन आइडिया, आप अगर एक मिनट के लिए सोचें कि अब तक, सुबह से लेकर अब तक आपने कितने केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं। पहले तो ये सोचें कि क्या आपने कोई केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं। अगर आपका जवाब नहीं में है तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, आपने सुबह से उठने के बाद बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले आपने मुंह हाथ धोया तो साबुन इस्तेमाल किया, द सोप इट इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स। फिर आपने अगर अपने टीथ ब्रश किए तो उसमें आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल की, वो ऑफ कोर्स केमिकल्स से बनी है। इसी तरह शैम्पू में केमिकल्स हैं, और इवन इस हद तक कि अगर आपने नाश्ते में ब्रेड खाई तो ब्रेड को प्रिजर्व करने के लिए उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आज की दुनिया में हमारा केमिकल्स के साथ चोली दामन का साथ है, और केमिकल्स हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, चाहे वो प्लास्टिक की शक्ल में है, चाहे वो फैब्रिक की डिफरेंट टाइप्स की शक्ल में है, चाहे वो फूड आइटम्स हैं, एडिबल्स हैं, जैम्स और अचार वगैरह में जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो भी केमिकल्स हैं, स्क्वॉश और टैंग या जो दीगर हमारे ड्रिंक्स हैं उनमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो भी केमिकल्स हैं। तो इस तरह से हम केमिकल्स के बगैर ज़िंदगी हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो व्हेन दे हैव बिकम सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, व्हाई नॉट जस्ट स्टडी अबाउट देम एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर केमिकल्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो शुरू करते हैं जी इंट्रोडक्शन से। Modern world in which we live is the world of chemicals. We all depend upon different chemicals which are necessary for our survival. जदीद दुनिया जिसमें आज हम रह रहे हैं वो केमिकल्स की दुनिया है। आज अगर कोई जंगल में जाके रहे, कोई गार में जाके रहे, तो शायद वहाँ इस दुनिया की आबादी से दूर वो केमिकल्स से बच जाए, वरना इसके अलावा उसका केमिकल्स से बचाव मुमकिन नहीं है। हम सब के सब केमिकल्स पर डिपेंड करते हैं और वो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। Chemistry is the study of matter and the ways in which different forms of matter combine with each other. Chemistry matter को समझने और matter के आपस में मुख्तलिफ अंदाज में combine होने, interact करने का नाम है, कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ reaction करते हैं, combine होते हैं, synthesis होती है, decomposition होती है, इन सब चीज़ों का नाम chemistry है। Chemistry has a wide applications in serving the humanity and nature. केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एडवांसमेंट की वजह से, नॉलेज की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी सहूलतों का इजाफा हुआ है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियां आई हैं, और इस तरह दे आर सर्विंग ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी होता है इंसानियत, नेचर होता है फितरत, इंसानियत और फितरत दोनों की मदद कर रहे हैं। The development of chemistry has provided us a lot of facilities in our life. For example, petrochemicals, medicines and drugs, papers, plastics, paints, color pigments, soaps, detergents, etc. Chemistry की development की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानी आई है। मिसाल के तौर पर petrochemicals. Petrochemicals क्या हैं? जिससे petroleums जिन्हें कहा जाता है, जिससे petrol, diesel, कैरोसिन ऑयल, मुख्तलिफ किस्म के स्पिरिट्स और इस किस्म की बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, ये सब पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। दवाइयाँ, ड्रग्स की डिफरेंट फॉर्म जो दवाइयों के ही अंडर आती है, पेपर, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें हमारे डिटर्जेंट्स कहते हैं जी, सर्फ वगैरह को, जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग पाउडर होता है, इन सब को, ये सब केमिकल्स ही हैं। द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो प्रोवाइड्स नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड एनवायरमेंट एंड टू एक्सप्लोर एंड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ, केमिस्ट्री की ही स्टडी से हमें अपनी हेल्थ के बारे में, हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करके बीमारियों से बचने के बारे में, दवाइयाँ बनाने के बारे में, मुख्तलिफ दवाइयों के इंसानी जिस्म पर असरात के बारे में, और इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज मिलता है, और ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में भी हमारे काम आती है, कि हम थोड़े नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं।
मुस्लिम पीरियड 600 टू 1600 एडी। बच्चों ये अब हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, यहाँ पर ख्याल रहे कि ये टाइम है कौन सा। आपके जहन में टाइम लाइन होनी चाहिए कि हम कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। अगर आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की डेट्स याद हों तो आमतौर पर किताबों में 571 एडी लिखा जाता है, ठीक है। 571 एडी का मतलब हम अब 600 से 1600 एडी की बात करें, मतलब तकरीबन ये वो दौर है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल चुकी थी। 40 साल की उम्र में उन्हें नबूवत मिली और उसके बाद से लेकर 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही दुनिया पर, और उस दौरान मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा साइंसी तरक्की हासिल की। उस दौर में क्या हुआ थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। द साइंस ऑफ केमिस्ट्री ग्रू एंड फ्लरिश्ड इन एवरी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। द इजिप्शियंस, द ग्रीक्स, द रोमन्स एंड द मुस्लिम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड मच टू द साइंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की साइंस दुनिया के हर इलाके में, हर सिविलाइजेशन में फलती फूलती रही है और बढ़ती रही है, क्योंकि जाहिर है ये इंसान की फितरत में था कि वो मादे की मुख्तलिफ अकसाम के बारे में, उनके आपस में इंटरेक्शन के बारे में, उनके आपस में रिएक्शन के बारे में जानना चाहता था। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा समझने की, दुनिया में चार बड़ी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं, इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं है, लेकिन आम तौर पर चार बड़ी सिविलाइजेशंस यानी चार बड़ी तहजीबें गुजरी हैं। यूँ समझ लीजिए कि चार बड़ी बड़ी बादशाहतें जो कई कई सौ साल तक रहीं वो गुजरी हैं। सबसे पहले इजिप्शंस कौन थे? मिस्री। अब मिस्र से अगर आपके जहन में फौरन फिरौन और उसका दौर आ जाए तो वाकई ये बिल्कुल वही दौर है, फैरोज ऑफ इजिप्ट उनकी बात हो रही है। फिर उसके बाद दूसरी बड़ी सिविलाइजेशन थी द ग्रीक्स। ग्रीक्स कौन है जी? यूनानी। इजिप्शियंस और ग्रीक्स दोनों एक खुदा के मानने वाले नहीं थे, ये इनके मुख्तलिफ देवी देवता थे, मुख्तलिफ बुत थे। इजिप्शियंस जो थे वो अपने ही बादशाह को खुदा मानते थे, जबकि ग्रीक्स जो थे वो देवी देवताओं को मानते थे। ग्रीक्स यूनानी को कहते हैं। अब तो ग्रीस एक बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन असल में ग्रीक एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रही है जो तकरीबन बहुत बड़े इलाके पर बहुत बड़े अरसे तक फैली रही। उसके बाद आते हैं जी रोमन्स। रोमन्स को उर्दू में हम रूमी कहते हैं और ये ईसाई मजहब के पैरोकार थे। शुरू शुरू में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आसमान पर उठाए जाने के बाद ये सही तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फॉलो करते रहे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ईसाई मजहब में इतनी तहरीफात हो गई कि इनके भी जो खुदाए वाहिद का तसव्वुर है वो तकरीबन मसख ही हो गया। बहरहाल ये अपने आप को अभी भी ईसाई ही कहते हैं। द रोमन्स ये ईसाई मजहब के फॉलोअर्स थे। और उसके बाद आए द मुस्लिम्स जो कि एक खुदा के मानने वाले थे और आप उन सबसे अच्छी तरह जानते हैं। इन सब ने केमिस्ट्री की साइंस में बहुत कंट्रीब्यूट किया। द मुस्लिम्स मेड अ रिच कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज इन केमिस्ट्री। दे स्प्रेड लाइक शाइनिंग स्टार्स ऑन द होराइजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मुसलमानों ने केमिस्ट्री के नॉलेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और वो साइंस की दुनिया में आसमान पर सितारों की तरह चमकते रहे। This period of Muslims is almost 1000 years long, 600 to 1680. ये जो मुसलमानों का दौर था ये तकरीबन 1000 साल लंबा था, 600 से लेकर 1600 AD तक। The principal goal of the Muslim chemists were to find out methods to prolong life. अच्छा जी, अब मुसलमान जो कीमिया दान थे, केमिस्ट की अगर हम उर्दू करें तो वो बनेगी कीमिया दान। तो मुसलमान जो केमिस्ट थे, जो केमिस्ट्री के माहिर थे, उनका मकसद क्या था? पहला मकसद ये था कि किसी तरह से इंसानी जिंदगी को लंबा किया जा सके, मतलब तिब के मैदान में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के, मुख्तलिफ मिनरल्स के, मुख्तलिफ चीज़ें जो दुनिया में मिलती हैं अपनी नेचुरल हालत में, उनके इंसानी सेहत पर क्या असरात हैं, तो इंसानी ज़िंदगी को कैसे लंबा किया जा सके। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा करना। दूसरा मकसद ये था कि लुकिंग फॉर वेज टू चेंज बेस मेटल सच एज लेड इनटू गोल्ड। अब ये एक बहुत ही मज़े की बात है कि उस दौर में केमिस्ट्स का और साइंसदानों का ये ख्याल था कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके जो बेस मेटल्स हैं, कुछ धातें हैं, कुछ ख़ास किस्म की धातें हैं, उनको सोने में तब्दील कर सकते हैं। इसको एल्कमी कहा जाता था और बहुत सारे केमिस्ट्स जो थे वो इसकी तलाश में सरगर्दा रहे, क्योंकि अगर उनको ये नुस्खा मिल जाता,
कि हम दूसरी धातुओं से कैसे सोना बना सकते हैं, तो ये गोया उनके पास एक खजाने की चाबी आ जाती और इसी कोशिश में वो काफी अरसा लगे रहे। तीसरा मकसद उनका क्या था? टू फाइंड फिजिकल एविडेंसेस टू सपोर्ट रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल बिलीव्स, के वो जो फिजिकल एविडेंसेस हैं मतलब ऐसे ठोस शवाहिद ढूंढे जिसके ज़रिए वो अपने रिलीजन को, अपने रिलीजन के जो ख्यालात, अकायद और फलसफियाना ख्यालात हैं उनको साबित कर सकें। दो दे फेल्ड इन डूइंग सो बट दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द लेबोरेटरी मैथड, दीज मैथड्स आर स्टिल यूज इन द मॉडर्न केमिस्ट्री। अगरचे के वो इनमें से पहला और तीसरा मकसद किसी हद तक हासिल कर सके, दूसरा मकसद जो कि अल्कमी यानी कि सोना बनाना, किसी भी धातु से सोना बनाना, वो तो जाहिर है कि वो नहीं हासिल कर सके, लेकिन उन्होंने लेबोरेटरी मेथड्स का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद रखी कि हम चीज़ों को लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट करें, नोट करें, ऑब्जर्वेशन लें और फिर ऑब्जर्वेशन लेने के बाद कोई नतीजा अखज करें। ये तरीका मुसलमान कीमियादानों ने निकाला। अब चलते हैं जी अगले सफ़े की तरफ। द मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मैनी एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक जिसका सिंबल है AS, एंटीमनी जिसका सिंबल है SB एंड बिस्मिथ जिसका सिंबल है BI, वो उनको डिस्कवर किया। बच्चों चूंकि ये आपका केमिस्ट्री के साथ पहला एक्सपोजर है तो आपको बता दूं कि ये सिंबल्स जो जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ब्रैकेट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के नामों के आगे, ये इनके सिंबल्स हैं और बाज़ दफ़ा ये सिंबल इनके इन्हीं नामों पर बेस्ड होते हैं और बाज़ दफ़ा ये इनके लैटिन नेम पर बेस्ड होते हैं। तो आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स का नॉमनक्लेचर या उनकी सिम्बॉलिक फॉर्म किस तरह से दी जाती है। They developed and used many laboratory instruments, for example, funnel, crucible and etc. मुसलमान साइंसदानों का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने मुख्तलिफ एलिमेंट्स दरियाफ्त किए, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ लेबॉरेटरी में इस्तेमाल होने वाले आलात, औजार डिस्कवर किए, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस जाने, फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन वगैरह, ये चीज़ें भी मुसलमानों ने ही ईजाद की। ये इंशाल्लाह आगे आप डिटेल में पढ़ लेंगे, इसलिए इनमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा हम ज़्यादा स्पीड से इसलिए चल रहे हैं कि ये भी बिल्कुल इंट्रोडक्शन है और ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अहम नहीं है, हम इनको छोड़ भी सकते थे, लेकिन आपके जहन में थोड़ा सा ये ज़रूर होना चाहिए कि इस इल्म की यानी केमिस्ट्री के इल्म की इब्तिदा किस तरह से हुई। दस दिस पीरियड प्रोवाइड्स बेसिस फॉर द मॉडर्न केमिस्ट्री। द पीरियड ऑफ मुस्लिम्स इज जनरली कॉल्ड द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट्स। जी, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। द पीरियड ऑफ मुस्लिम्स इज जनरली कॉल्ड द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। जो मुसलमान साइंसदानों का दौर था उसको आम तौर पर पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट्स कहा जाता है, केमिस्ट्री के जानने वालों में, केमिस्ट्री की तारीख में। मुस्लिम साइंटिस्ट प्रेजेंटेड केमिस्ट्री एज प्योरली एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल साइंस। सम वेल नोन मुस्लिम साइंटिस्ट्स एंड देयर अचीवमेंट्स आर मेंशन्ड हियर। जो मुसलमान साइंसदान थे उन्होंने केमिस्ट्री को प्योरली प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस के तौर पर बताया और कुछ जाने माने मुसलमान साइंसदानों के नाम और उनके अचीवमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसमें से इनके नाम और इनकी तारीख ये बेटा ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ लाइंस हैं जो हमने अंडरलाइन की हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको फेमिलियर भी होना चाहिए और एक तरह से ये लोग हमारे मोहसिन भी हैं कि इन्होंने बहुत सारी ईजादात करके बुनियाद रखी और आज हम उन ईजादात से फ़ायदा उठा रहे हैं। जाबर बिन हयान 721 से लेकर 803 AD तक। जाबर बिन हयान इज जनरली नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज नोन द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो जाबर बिन हयान इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ही वॉज प्रॉबली द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैड अ वेल एस्टेब्लिश लेबोरेटरी। वो शायद पहले साइंसदान थे जिनके पास एक प्रॉपर लेबॉरेटरी थी। ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मैथड्स सच एज डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एक्सेट्रा। उन्होंने मुख्तलिफ तजर्बाती मैथड्स की बुनियाद रखी जिसमें डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, ये आपको अगर अभी इनकी तफसील बताने लगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। ये कुछ चीज़ें आप पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं, मसलन फिल्ट्रेशन, सादा सा फिल्टर पेपर में से किसी लिक्विड को गुजार के
उसको पुन लेना, इसी तरह डिस्टिलेशन, जब हम लिक्विड को उबाल के उसको फिर दोबारा ठंडा करते हैं तो वो डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स थे जो इन जाबर बिन हयान ने ईजाद किए। ही प्रिपेयर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड वाइट लेड। एक बड़ी जो अहम कॉन्ट्रीब्यूशन थी उनकी वो ये थी कि उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और वाइट लेड ईजाद किया। किन्होंने जी? जाबर बिन हयान ने। आगे चलते हैं, मोहम्मद इब्ने जकरिया अल राजी 864 से लेकर 930 तक। अल राजी वॉज अ फिजिशियन, केमिस्ट एंड अ फिलोसोफर। अल राजी कौन थे? एक फिजिशियन थे, एक केमिस्ट थे और एक फिलोसोफर थे। ही रोट 26 बुक्स बट द मोस्ट फेमस बुक वॉज अल असरार। उन्होंने 26 किताबें लिखी और सबसे ज्यादा अहम किताब कौन सी थी? अल असरार। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मोहम्मद इब्ने जकरिया अल राजी ने 26 किताबें लिखी। सारी जिंदगी में एक किताब लिखने में भी इंसान को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि कई साल लग जाते हैं, तो उन्होंने 26 किताबें लिखनी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। और लेकिन सबसे मशहूर किताब का नाम था अल असरार। इन दिस बुक ही डिस्कस्ड द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ केमिस्ट्री। ही वॉज द फर्स्ट केमिस्ट टू डिवाइड द केमिकल कंपाउंड्स इंटू फोर टाइप्स एंड ऑल्सो डिवाइड द सब्सटेंसेज इंटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑरिजन। मोहम्मद इब्ने जकरिया अल राजी जो थे वो पहले थे जिन्होंने सबसे पहले जो मैटर की डिफरेंट टाइप्स हैं, मसलन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी बताया। फिर उसके बाद कंपाउंड्स और मेटल्स, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में उनकी तकसीम की और मुख्तलिफ किस्म की दर्जा बंदी की। लिविंग थिंग्स को अलग बताया, नॉन लिविंग थिंग्स को अलग बताया, और यही उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। और जिस तरह जाबर बिन हयान ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और वाइट लेड बनाया था, अल राजी ने अल्कोहल बनाया फर्मेंटेशन के जरिए। आगे चलते हैं जी, अल बेरूनी। अल बेरूनी 973 से लेकर 1048 तक जिंदा रहे। ये जब दो डेट्स लिखी जाती हैं तो आपको ये मालूम ही होगा कि 973 में वो पैदा हुए और 1048 में इनकी वफात हुई। ही मेड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड हिस्ट्री। उन्होंने बहुत अहम कॉन्ट्रीब्यूशंस की फिजिक्स के मैदान में, मेटाफिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, जियोग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में और हिस्ट्री में। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ही अंडरस्टूड द डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर्स एंड केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिस्ट्री के मैदान में उन्होंने बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर्स को भी समझा और केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि दो केमिकल्स को इकट्ठे किया जाए तो क्या होता है, किसी बेस में एसिड डालें तो क्या होगा, किसी सॉल्ट और वाटर को इकट्ठा मिलाएं तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इन चीजों के बारे में उन्होंने जाना। ही डिटरमिन्ड द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इनको हम तेजी से इसलिए पढ़ रहे हैं कि आमतौर पर इन पर लॉन्ग नोट या शॉर्ट नोट नहीं आता, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा अहम नहीं है। अलबत्ता इनमें से फिल इन द ब्लैंक्स जरूर आ जाते हैं, वो कुछ लाइनें आपको अंडरलाइन करवा दी हैं और कुछ इंशाल्लाह एक्सरसाइज के दौरान भी हम फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व कर लेंगे। इब्ने सीना 1980 से लेकर 1037 AD। इब्ने सीना इज जनरली नोन एज द एरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। दिस इज इम्पॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस लाइन। इब्ने सीना का नाम आपने बहुत सुना होगा। इब्ने सीना को इस्लामी दुनिया का अरस्तु कहा जाता है। एरिस्टोटल की उर्दू क्या है जी? एरिस्टोटल की उर्दू है अरस्तु। He is famous for his contributions in the field of medicine, mathematics, astronomy, medicinal chemistry and philosophy. और वो बहुत मशहूर हैं, उन्होंने किस किस में शोबे में, किस किस मैदान में अपने इल्म के झंडे गाड़े। मेडिसिन यानी तिब, मैथमेटिक्स यानी हिसाब, एस्ट्रोनॉमी यानी माहिर फलकियात, और फिर उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री, वही कि उन्होंने मुख्तलिफ केमिकल्स के इंसानी सेहत पर असरात के बारे में जाना, और फिलोसफी भी। ही इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिजेक्टेड द आइडिया दैट वेस्ट मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड।
अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि बहुत सारे मुसलमान साइंसदान इस कोशिश में थे कि किसी तरह बेस मेटल्स को सोने में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन अल्बेरूनी वो पहले थे जिन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ये बेस मेटल्स को सोने में बदलने के लिए जो हम कोशिश करें ये बेकार है और इस कोशिश को हमें छोड़ देना चाहिए। ही रोट मोर देन 100 बुक्स, दीज बुक्स वर टॉट इन द यूरोप फॉर सेंचुरीज। उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखी और ये किताबें यूरोप में कई सदियों तक पढ़ाई जाती रहीं। तो बच्चों ये थे आपके चार फेमस मुसलमान केमिस्ट, जिनमें हैं इब्ने सीना, अल बेरोनी, अल राजी और सबसे पहले जाबर बिन हयान। अब हम पढ़ते हैं जी केमिस्ट्री की डेफिनेशन और फिर उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन ये हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे और इसमें से कुछ चीज़ें आपने अपने पास नोट डाउन भी करनी होंगी, मसलन केमिस्ट्री की डेफिनेशन। उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और बाय द टाइम इंशाल्लाह आप ये चैप्टर ख़त्म करेंगे तो बहुत सारी बातें आप सीख चुके होंगे।